एवरीवन, दिस इज क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. दिस इज चैप्टर 12 एंड इन द प्रीवियस चैप्टर वी वर स्टडीइंग अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कि उसमें हमें क्या पूरे टेक्नोलॉजी किसके बारे में है, आरडीएनए कैसे बनाते हैं, आरडीएनए से फॉरेन जीन का प्रोडक्ट कैसे पाते हैं. और ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर 12, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे, के एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में और रिसर्च के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है. बायोटेक्नोलॉजी एज यू नो वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बायोटेक्नोलॉजी हम प्रीवियस चैप्टर से समझ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डील करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराने से. बहुत सारे लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब बड़े फर्मेंटर्स में बायोफार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन करवाना एंड फंगी, माइक्रोब्स, एनिमल्स इन जीएमओस ऑर्गेनिजम्स से. The application of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed foods, bioremediation, waste treatment, and energy production. Three critical research areas of biotechnology are biotechnology ke applications agriculture mein, food process mein, bioremediation mein, waste management mein, energy production mein hote hain. Aur teen research areas iske hain. जो है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम. मतलब एक बेस्ट कैटलिस्ट लाना इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के टर्म्स में. हमने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो वो इम्प्रूव हो गया. माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम के टर्म्स में ही हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म से अपनी यूजफुल प्रोडक्ट का. क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट. अब हम उसको पर्टिकुलर कंडीशंस भी देंगे, यानी बायोरिएक्टर की बात हो रही है कि वो ग्रो हो सके, एक्ट कर सके, और फिर उसे डाउनस्ट्रीम कर प्रोसेसिंग करा के प्योरीफाई कर लेंगे प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को. लेट अस नाउ ट्राई टू हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड टू बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज से ह्यूमन्स ने कैसे अपनी लाइफ को हेल्दी कर लिया है, क्वालिटी बढ़ा दी है लाइफ की अपनी बाय द यूज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका चैप्टर 12 में बायोलॉजी क्लास 12 में, कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कैसा है. लेट अस नाउ टू थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट. नंबर वन इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी या तो हम एग्रोकेमिकल्स के बेस के एग्रीकल्चर करें, मतलब फूड फर्टिलाइजर्स उसमें डालें ऑर्गेनिक, या तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसी क्रॉप्स उगा सकते हैं. थर्ड ऑप्शन है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स उगा सकते हैं, उनकी जेनेटिक इंजीनियर्ड वाले क्रॉप्स की एग्रीकल्चर कर सकते हैं. तीन ऑप्शन में से सबसे पहला वाला जो ऑप्शन था वो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा, उसने फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया. पर इनफ फीड और बहुत, जब बहुत कमी थी फूड की, फीडिंग की ह्यूमन पॉपुलेशन को, तब इसने हमें हेल्प की ग्रीन रेवोल्यूशन में. इंक्रीज हुई यील्ड और यूज हुआ, इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज भी इम्प्रूव हुई. पर बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनके बाद फार्मर्स ने डेवलपिंग वर्ल्ड में एग्रोकेमिकल्स को टू एक्सपेंसिव होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग है. एक तो पहली बात शॉर्टकमिंग है, हम ज्यादा डिपेंड इसलिए नहीं हो सकते फर्टिलाइजर्स पे बिकॉज एक्सपेंसिव होते हैं, और पॉसिबल कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हमें ज्यादा यील्ड तो देते हैं, बट स्टिल इनका असर क्या होता है, इन्वायरमेंट पे बेकार होता है, ये इन्वायरमेंट को खराब करते हैं. एंड इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ, क्या कोई और अलग रास्ता है जिससे कि जेनेटिक्स को समझकर फार्मर को हम मैक्सिमम यील्ड दे सकते हैं, यानी ये हिंट कर रहे हैं टूवर्ड द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स बनाकर जिनमें हम अच्छी जीन्स को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकें प्रोडक्शन ताकि बढ़े. इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स,
फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज मिनिमाइज करने के लिए, एनवायरमेंट का उसके ऊपर बुरा असर रिड्यूस करने के लिए क्या कोई और तरीका है? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज पॉसिबल सोल्यूशन. इसका रास्ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करना. ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सब हमने देखा. नाउ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स, इनको भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं. एट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हमने जीन्स को आल्टर किया है, कुछ चेंज किया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज. ऐसे प्लांट्स बहुत यूजफुल हैं, बहुत तरीके से यूजफुल हैं. दिया हुआ है यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में मेड आप ऐसी क्रॉप्स बनाई जा सकती हैं जिनका बेनिफिट जो है, यूज जो है वो ये है. नंबर वन, क्रॉप्स आर मेड टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस. कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इनसे क्रॉप्स को टॉलरेंट बनाया जाता है. मतलब अगर हाई कोल्ड भी हुआ तब भी क्रॉप जिंदा रहे, ड्रॉट हुआ, कम पानी रहा, सूखा रहा तब भी अब जिंदा रहे, नमक ज्यादा हुआ मिट्टी में किसी में तो भी क्रॉप ग्रो हो सके, हीट में भी क्रॉप ग्रो हो सके. ऐसी क्रॉप बनाई जा सकती हैं, बनाई गई हैं जेनेटिक जीन्स को मॉडिफाई करके. रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड. केमिकल्स की जरूरत उन्हें ना पड़े, उनके ऊपर उन्हें निर्भर नहीं होना पड़े. और थर्ड, हेल्प द रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब हार्वेस्ट के बाद अगर कुछ क्रॉप को नुकसान होता है, सो दैट लाइक उनका द सेल वॉल स्टार्ट डिग्रेडिंग, द फूड बिकम पल्पी, द फूड बिकम्स रॉटन, दैट काइंड ऑफ लॉसेस विल बी ऑल्सो रिड्यूस्ड. एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट. दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो एफिशिएंसी बढ़ाना भी, प्लांट में कोई ऐसी जीन्स डाल दें जिससे कि वो सॉइल से आराम से, खराब सॉइल से भी पूरी मिनरल को यूज कर सके. इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड. कभी कभी विटामिन की कमी होती है अगर किसी भी पर्टिकुलर फूड में, तो उसमें उस विटामिन के इनरिच्ड जीन डालने से उसको इनरिच करा जा सके उस पर्टिकुलर फूड को. ये सब अगर हम करते हैं तो हमारा ये एप्लीकेशंस ही हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. हम ये सब अच्छे कह सकते हैं वेज पा सकते हैं जिनसे हमें हमारी क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट होगी. दिस विल बी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स. एंड इन एडिशन टू दिस इश्यूज, जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स, सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. तो इनके अलावा हमें और भी रिसोर्सेज मिले हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से. इंडस्ट्रीज के लिए जो रिसोर्स बने हैं, जैसे कि कुछ स्टार्चेज हमें ऐसे मिले हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, कुछ फ्यूल्स हमें मिल पाए जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हमें मिल पाए हैं यानी कि थेरेप्यूटिक्स मिल पाए हैं हमें जीएम इन्वेंशन से, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से. नेक्स्ट हमारा हो गया सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल्स आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड. कुछ ऐसी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की कि जिसके अंदर हम डिक्रीज कर सकते हैं पेस्टिसाइड यूज को. जैसे एग्जाम्पल है बीटी टॉक्सिन का. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेंसिस बीटी शॉर्ट. एंड बीटी टॉक्सिन जीन कैन बी क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड.
बीटीटॉक्सिन एक ऐसा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोलते हैं। बी फॉर बैसिलस दैट इज जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, टी फॉर थुरिंजेंसिस दैट इज स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया से एक क्रिस्टल प्रोटीन नाम का प्रोटीन निकलता है, क्रिस्टल प्रोटीन जिसे क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म की वजह से क्राई प्रोटीन ही से बोला जाता है। और ये प्रोटीन की जीन इस बैक्टीरिया में मिलती है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। अब इस प्रोटीन से होता क्या है, ये एक तरह से टॉक्सिक प्रोटीन है। क्रिस्टल प्रोटीन इज वन टाइप ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन कॉल्ड एज प्रोटॉक्सिन, जो बैक्टीरिया में तो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है, बट अगर इसको कोई इंसेक्ट इंजेस्ट कर ले, इस प्रोटीन को कोई भी इंसेक्ट अगर खा ले, तो इंसेक्ट के इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम होने लगती है, पोर्स क्रिएट होने की वजह से, इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा फ्लूइड लीक होने की वजह से इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, दे गेट किल्ड। कैटरपिलर्स हो, लार्वाज हो, या फिर कोई बीज हो, एफिड्स हो, अगर ये लोग, ये इंसेक्ट्स जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, वो अगर बैसिलस थुरिंजेंसिस के क्रिस्टल प्रोटीन को खा लें तो वो मर जाते हैं। इसी वजह से इसकी जीन हमने यूज करी, बीटी से, बैसिलस थुरिंजेंसिस से बीटी टॉक्सिन की जीन क्लोन करी गई बैक्टीरिया के अंदर, एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट्स, प्लांट्स में उन्हें एक्सप्रेस करवाया गया टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। बिना इंसेक्टिसाइड की नीड से हम इंसेक्ट्स से क्या पा सके, वी गेट इंसेक्ट से छुटकारा पा सके, क्रॉप हमारी सेव हो जाए इन इफेक्ट क्रिएटेड बाय बायोपेस्टिसाइड। ये एक बन गया हमारा बायोपेस्टिसाइड एग्जांपल, बीटी कॉटन, बीटी राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब हमको यहाँ ऐसे प्लांट्स हमने बना रखे हैं, बीटी कॉटन, बीटी राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन जैसे क्रॉप्स हम बना चुके हैं। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन, टोबैको, बडवॉर्म, आर्मीवॉर्म, कोलेप्टरेंस, बीटल्स, डिप्टरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटोज, वी ट्रांसेंसेस फ्रॉम प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। व्हाई डज द टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? बैसिलस बनाता है इसे, बैसिलस थुरिंजेंसिस, पर उसे क्यों नहीं नुकसान होता, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में बनाता है, इनएक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में बनाता है। एंड दिस प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। Protein exists in the bacteria in the inactive toxin forms, and once the ingest by the insect जैसे ही उसे ingest करता है उस तरह के organism को जिसके अंदर BT की toxin होता है, वो inactive form में से फिर बाद में converted into the active form। तो जैसे कि यहाँ पर crystal protein है bacteria में, तो वो क्या रहेगा, protoxin के form में रहेगा, inactive रहेगा bacteria में, bacterial spores में। एंड बैक्टीरिया में प्रोटॉक्सिन से अगर किसी इंसेक्ट ने उसे, प्रोटॉक्सिन है बैक्टीरिया में, एंड इंसेक्ट इफ इंजेस्टेड इट, प्रोटॉक्सिन्स को अगर इंसेक्ट्स ने खा लिया, इंसेक्ट के अंदर चले गए, तो इंसेक्ट्स के अंदर वो जाकर प्रोटॉक्सिन इंसेक्ट के इंटेस्टाइन्स के पीएच की वजह से, इंटेस्टाइनल पीएच, एल्कलाइन पीएच होता है किसी भी इंटेस्टाइन्स का, तो इंटेस्टाइन इंसेक्ट की है, उसमें एल्कलाइन पीएच की वजह से, because of alkaline pH, this protoxin converts into active toxin. Active toxin क्या करता है, it destroys the epithelial cells of the, active toxin destroys the epithelial cells of the intestine. ये क्या करता है, last line लिखी हुई है यहाँ पे, the active toxin होता है that will destroy the epithelium of the midgut, surface of the midgut epithelial cells. So the alkaline pH, due to alkaline pH, the toxin get activated, solubilizes the crystals, because wo toxin ke crystals solubilize ho gaye, ab activated toxin surface of midgut se bind karke epithelial cells ko destroy karne lagega. Okay, so this was the thing, kaise BT toxin ka work hota hai, create pores. Ab iska work ye hoga ki epithelial surfaces mein pores create kar degi, और इसकी वजह से इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएंगी, लाइस हो जाएंगी, यानी ब्रेक होने लगेंगी, और इवेंचुअली उस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इंसेक्ट विल डाई आफ्टर इनगल्फिंग, आफ्टर ईटिंग द बीटी टॉक्सिन। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजेंसिस
and incorporated into the several crop plants such as cotton. बहुत सारी बीटी जीन्स को निकाला गया है बैसिलस थुरिंजेंसिस से एंड उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है बहुत सारे सेवरल क्रॉप्स के प्लांट में जैसे कॉटन में. द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड ऑन अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट एज द मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई. टॉक्सिन क्राई जीन से कोड किया जाता है. देयर आर नंबर ऑफ देम. एग्जांपल द प्रोटीन कोडेड बाय द जीन्स क्राई 1AC क्राई 2AB control the cotton boll worms that are cry1ab controls corn borer. So ye important hai, kai baar exam mein aayi hai. Give the names of the genes as well as the insects which they control. So there are number of genes but these two mainly are given in your book, so you will be focusing on them. Cry1ac and cry2ab, they will be respectively controlling the cotton boll worms by the cry1ac. And cry2ab will be controlling cry1, that of cry1ab. Yeah, these both will be controlling the cotton boll worms. Cry1ac and cry2ab will be controlling what? These two will be controlling the cotton boll worms, and that of cry1ab will be controlling cotton boll. This is the things you will be learning. These names very important. Because they will come by the name as well. कि cry one A B कौन से organ को prevent करती है तो corn borer आपको पता होना चाहिए. Cotton ball को आप देख रहे हो, एक cotton ball पूरी destroy हो गई है, उसमें सही से cotton नहीं बन पाई है और दूसरी fully mature cotton ball आपको दिखा रखे तो कीड़ा लगने से वो cotton सही से नहीं बन पाती है. Pest resistant plants, several nematode parasites, a wide variety of plants and the animals including human beings. A nematode Meliodicyon incognita infects the roots of tobacco plant and causes a great reduction in yield. एक pest resistant plant बनाने के लिए एक तो हमने देख लिया बीटी plant बना सकते हैं हम, बीटी cotton जैसे बनाया. दूसरा हम कर सकते हैं कि हम कोई और एक और मेथड है आरएनए इंटरफेरेंस, उसको यूज करके हम नीमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट भी बना सकते हैं. तो नीमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट के लिए एग्जांपल दिया हुआ है, हमने एक राउंड वर्म का नाम यहाँ दिया है मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निटा नीमेटोड जो कि रूट्स टोबैको के रूट्स में इंफेक्शन करता है और उसकी वजह से टोबैको की यील्ड खराब हो जाती है. पर उसके लिए एक नई टेक्निक यूज की जाती है इस वर्म को बचाने के लिए जिसे कहते हैं आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस, आई फॉर इंटरफेरेंस. आरएनएआई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे इन जनरल देखी जाती है सेलुलर डिफेंस के मैकेनिज्म के फॉर्म में जिसमें कोई भी ऐसा एमआरएनए जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो रखा है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रिवेंट किया जाता है, उसकी ट्रांसलेशन नहीं होती और उस एमआरएनए की साइलेंसिंग हो जाती है और वो कट होकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और यही कहलाता है आरएनए इंटरफेरेंस. द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम्स. और इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम कहाँ से पा सकते हैं? आरएनए जीनोम वाले वायरसेस से पा सकते हैं और मोबाइल एलिमेंट जेनेटिक एलिमेंट्स भी हमें हेल्प करा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पाने के लिए. एंड दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, जो आरएनए इंटरमीडिएट के से रेप्लिकेट करेंगे यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स और इंट्रोड्यूस्ड द होस्ट प्लांट. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के को यूज करके नेमेटोड स्पेसिफिक जो जीन्स हैं उन्हें होस्ट प्लांट में डालना होता है. द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए. डीएनए को डालेंगे तो हमारा इस तरह से हमें डालना होगा कि उस एंटी सेंस और सेंस आरएनए दोनों बन जाएं और दीज टू आरएनए इज बीइंग कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर डबल स्ट्रैंड हो जाएं ताकि ये आरएनए इंटरफेरेंस से साइलेंस किए जा सके. यानी कि हम कोई ऐसा होस्ट प्लांट के अंदर कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए डालेंगे जो कि जब इनगल्फ कर लिया जाएगा पेस्ट से नीमेटोड से और नीमेटोड स्पेसिफिक डालेंगे ताकि वो नीमेटोड की बॉडी में जाने के बाद नीमेटोड में डबल स्ट्रैंड में आ जाए और उसकी वजह से नीमेटोड की फंक्शनिंग बंद हो जाए, उसकी ग्रोथ रुक जाए, वो किल हो जाए जिससे हमारा टोबैको प्लांट बच जाए. द कॉन्सिक्वेंस इज दैट द पैरासाइटिक
could not survive in the transgenic host expressing the specific interfering RNA. जो भी प्लांट ऐसे इंटरफेरिंग आरएनए को एक्सप्रेस कर रहे होंगे उनके अंदर ये पैरासाइट नहीं रह पाएगा, तो ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गेट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट. ट्रांसजेनिक प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा पैरासाइट से. सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 12 के बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द एग्रीकल्चर. द नंबर वन वाज डेवलपिंग बीटी कॉटन and the number 2 was developing pest resistant plants by RNA interference. So you can see with one more diagram as well, RNA interference ka hum ek diagram dekh sakte hain Google images mein ki how the gene is or RNA is silenced. We can see here Meleagrine incognita mein how the RNA interference is done. Plant pathogenic fungi, RNA enters the insect body by feeding. RNA enter kar dega body mein and then agar us plant mein express ho raha hoga इंटरफेयरिंग आर एन ए तो वो उसके अंदर जाकर और इंसेक्ट के अंदर जाकर डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा जिसे ब्रेक कर दिया जाएगा जिसकी वजह से आर एन ए इंटरफेरेंसेस हो जाएगी. यहाँ पर एक और है इंजीनियर्ड आर एन ए डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए डाइसर एंजाइम. जब how RNA interference work is given here and in this a specific target RNA is been means focused. Entry of the long double stranded RNA such as an introduced transgene or genetic element or a viral intruder triggers the RNA interference pathway. koi bhi double stranded RNA agar enter karta hai kisi organism ke andar ya fir kisi bhi way ke through wo gaya ho through mobile genetic elements ya viruses ke through तो वो आरएनए इंटरफेरेंस को ट्रिगर करता है और एक एंजाइम को ट्रिगर करता है डाइसर एंजाइम को. डाइसर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को 20 to 25 बेस पेयर लॉन्ग फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे इंटरफेरिंग आरएनए में ब्रेक कर देती है और आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स देन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू siRNA स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए स्ट्रैंड्स as either sense or antisense. The sense strand will exactly the same sequence as the target gene are targeted. So sense jo strand hai uska same hota hai jo target gene ka tha. So antisense on the other hand are incorporated to risk. RNA induced silencing complex mein jaakar antisense bhi jud jata hai. These are used as guide to target messenger RNAs. Guide RNAs ki tarah kaam karte hai messenger RNAs ko मार्क कर लेते हैं. मैसेंजर आरएनए विच कोड्स और अमीनो एसिड्स आर क्लीव्ड. इसकी वजह से एमआरएनए जिसके अंदर अमीनो एसिड की चेन होती है वो क्लीव हो जाते हैं इससे रिस्क से एंड प्रोटीन्स विल नॉट बी फॉर्म्ड इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. तो इस वजह से सेम यही टेक्निक अगर हम मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निशा में देखें तो यही मैकेनिज्म होता है और इसकी वजह से कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनते. तो आज हमने ये सीखा और यहाँ पे यहाँ पर मेथड भी दे रखा है किस तरीके से प्रोटीन्स नहीं बन पा रहे हैं. रिस्क पहले स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बनाए गए हैं आरएनए को ब्रेक डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ब्रेक करके एंड देन उन स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए को सेंस स्ट्रैंड उससे जोड़कर
एंटी सेंस और सेंस स्ट्रैंड को जोड़कर फिर दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड रिस्क कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं जिनको जिनको प्रोटीन बनने से रोक दिया गया है, दैट दे डू नॉट फॉर्म द प्रोटीन. सो दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. इट इज यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. And with this, I am going to finish this today's class. I hope आपको agriculture में biotechnology का use समझ में आया होगा. There were two methods, BT cotton as well as the RNA interference.